तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। सही बोल रहा हूँ यार, अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था, तुम लोग समझाते रहे। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा था घर पे कुत्ता पाल लेना, पर वो तुमसे प्यार करती है, गलत फहमी मत पालना। पर सुनी नहीं मैंने तुम्हारी, सुनी नहीं बड़ी बुजुर्गों की, अब पछता रहे। साले कुत्तों की जिंदगी। मजाक नहीं कर रहा यार, कुत्तों की जिंदगी। साले कुत्तों की जिंदगी। आई नो तुम लोग जानना चाहते होगे भाई क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। मैं बताता हूँ। दो दिन पहले फिर से लड़ाई हुई, बहुत तगड़ी लड़ाई, और वही सेम टॉपिक जिस पर हर बार लड़ाई होती है। तू मिलने आएगी क्योंकि मैं दिल्ली से तेरे पास आ रहा हूँ, तू अपने स्टेट में क्यों नहीं आ सकती। बंदी का प्रॉब्लम है ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही, मतलब तुम करो तो रासलीला, हम करे कैरेक्टर ढीला। अबे क्या बकवास है, ये भी काम ही है यार। और मुझे पता है अगर मैं ट्रैवल करेगा मैं स्केप मार सकता है, मैं रिस्क ले रहा तेरे लिए, तू एक दिन का रिस्क नहीं ले सकती। मैंने बोल दिया अगर तू नहीं आई मिलने के लिए तो बात मत कर, आखिरी बात होगी वो हमारी, मैं दूसरी ढूंढ लेगा। ये मालूम है नहीं मिलेगी आसानी से, शक्ल पता है मुझे, पर डायलॉग पेल में क्या जाता अपना, तो डायलॉग पेल गया मैंने उसे। अगले दिन तेवर ही बदल गए। सीरियसली ब्रो, मतलब उस कन्वर्सेशन का नाम ही मैंने रखा है अबे। व्हाट, यू डोंट बिलीव मी। मैं बताता हूं क्या हुआ। तो उसका मैसेज आया गुड मॉर्निंग का, मैंने उससे पूछा सोचा इस बारे में, तुम दूसरी ढूंढ लो, मेरे को सौतन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं साथ साथ खुशी खुशी रह लूंगी, मैं तो वही हाफ गर्लफ्रेंड तुमसे हाफ वाइफ बना लूं। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। मतलब गर्लफ्रेंड भी हाफ मिली, बीवी भी हाफ मिली, हाफ बीवी होती क्या है। तुम्हें क्या, तुम्हारे तो दोनों हाथ घी में है ना, मजे से थ्रीसम करेंगे। चुप चुप। मैं कहा तू मिलने आएगी कि नहीं आएगी। अरे सीधा बरात लेके आओ, फिर आऊंगी मैं, तुम वीडियो बनाना, मैं बैकग्राउंड में चिल्लाऊंगी अजी सुनते हो, धनिया ले आना। मैं सीरियसली कंफ्यूज हूं, बंदी चाहती क्या मेरे से यार, और तुम्हें प्रॉब्लम होगी जब मैं क्लिप नहीं कर देगा। साले कुत्तों की जिंदगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे शांत करना बहुत मुश्किल काम है भाई, मैं स्पीचलेस हो गया बे, स्पीचलेस। मतलब दिल से आवाज आई मेरे, व्हाई आर वी स्टिल हियर। अभी ये कहानी बताए ना, आएंगे दोबारा में। ये बंदीबाजी के बाद बदल गया यानी। भाई कल ही समझाया था तुझे, हथियार डाले हैं चलाना नहीं भूला, क्या चाहिए तुझे। ठरकी जोक, कल ठरकी शायरी नहीं, ठरकी जोक। मैं एक बार पति गुस्से में होता है तो पति चिल्लाता है, मैं बता रहा हूँ इन मोबाइल कंपनी पे केस कर देना मेरे, इतने बड़े बड़े हेडसेट बना देते हैं और चार्जिंग वायर इतना छोटा। बात बीवी ने सुन ली, बीवी भड़क गई, फिर तो मैं आपके ऊपर भी केस कर दूँ। अबे कितना घटिया जोक है यार, ये चाहिए तुम्हें। जस्ट इन केस तुम इस बात की गहराई समझ चुके हैं, स्मैक द लाइक बटन। स्मैक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रियल लाइफ में तुम्हें स्मैकिंग तो मिल नहीं रही, स्मैक ही है। साले कुत्तों की जिंदगी। बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से पूछा, बेब इस जैकेट में अच्छा लग रहा हूँ मैं। अच्छी तो लग रहे हो पर मेरी टांगों की भी ज्यादा अच्छी लगते हो। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. अब समझ में आया क्यों नहीं करता ये। क्या बोलूं, कुछ ही नहीं बोलने लाइक, जहर खत्म हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, जिंदगी कुत्तों वाली है और तुम्हारा एक ही रिएक्शन है। बदल गया क्या रिवर, क्यों पे फटी पड़ी है यहाँ पे। Why are we still here? Hey, whoa, I'm gonna hit him in the leg and the nigga try to run. Welcome back, it's all the greedy two fire hour, man, who am I? Favorite host. Immature? इसे overacting नहीं, immatureness कहते हैं। अगर ऐसा कोई वर्ड हो तो जस्ट तुम लोगों को नहीं पता, कुछ भी ट्रेंडिंग नहीं है जिंदगी में और इंटरनेट पे, और मैं आलसी हो रखा हूँ पता नहीं क्यों, क्योंकि कल ही तबीयत ठीक हुई है। अभी भी रिकवर कर रहा हूँ, आज बैठी हुई है मेरी, तो मेरे को बेस्ट यही मिला है। एंड जस्ट इन केस तुम उन लोगों में से जिनको नहीं पता इमेच्योर क्या है, तो इमेच्योर एक सीरीज है जो TVF ने बनाई है MX प्लेयर के साथ या उनके लिए, मुझे नहीं पता। I don't want to know, but it looks amazing, man. मतलब जैसे वो मैंने ट्रेलर प्ले किया ना, उसमें पहला डायलॉग आता है, अंडी मंडी संडी अबे अबे भाई, और मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए। हम लोग प्रेयर की लाइन में लगे रहते थे और पीछे सारे बैक बेंचर सारे दोस्त होते थे, जैसी प्रेयर शुरू होती थी एक हरामी अंडी मंडी संडी जाना नाचे। तुम्हें क्या लगता है ये अपर बॉडी से नाचना कहाँ सीखा मैंने प्रियर लाइन में पे। और जब वो क्लिप देखी ना मैंने, मेरे दिमाग में बड़ी निंजा टेक्निक आई लाइक लेने की, अंडी वंडी संडी जो ना लाइक करे उसकी माँ जाए सब्जी वंडी, संस्कारी है हम लोग, लाइक कर लाइक, तुम्हें कर लू पागल हो क्या तुम। और ये जो लॉन्ड है जो डायलॉग पेलता है वो एक्चुअली मेरे को काफी सिमिलर लगा चिल्लर पार्टी वाले पाजी से, पनौती मुझे श्योर नहीं वही है कि काफी सिमिलर लग रहा है, और मैं इतना आलसी रखा मैं रिसर्च भी नहीं करेगा। बस रिव्यू देगा मतलब फकर्स, ये दोनों ही लड़के चिल्लर पार्टी वाले हैं यार। है क्या
कमेंट करके बता दो, मुझे पता नहीं है। सिमिलर लग रहे हैं मुझे, बस ये बोल रहा हूँ मैं। आई लव चिल्लर पार्टी मूवी मैन, कम ऑन, बहुत ब्रिलियंट एक्टर हैं ये दोनों, अगर हैं वो तो। अगर लिटरली पूरा मतलब पूरा जो ट्रेलर है उसने काफी हद तक बचपन की याद दिलाई, क्योंकि बचपन में होता ना तुम्हारा स्वैग दिखाना, और अगर तुमने देखी नहीं मेरी कहानी तो मैं पता नहीं मैं कितना स्वैगी बनना चाहता हूँ बचपन से ही। तो मैंने जब ट्रेलर देखा, मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ ट्रेलर से। एक्सलेंट राइटिंग है, क्योंकि जब तुम ये ट्रेलर देखोगे तुम अपने बचपन में खो जाओगे, क्योंकि मोस्टली चीजें ये जो दिखा रहे हैं वो रिलेटेबल है, रिलेटेबल एज फक ब्रो। ओवरऑल मैं राइटिंग से बहुत इंप्रेस हूँ, एक्टर ब्रिलियंट है। टीवीएफ के जीत और जो लड़की है, नाम नहीं याद रखो, बट बहुत सही है लड़की है। मैं पता नहीं रिव्यू दे रहा हूँ या टाइम पास कर रहा हूँ तुम्हारा। ओवरऑल मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे मुझे सारी चीजें पसंद आ रही है, मुझे ये भी पता है ये मेरे टाइप की कॉमेडी नहीं है जो मैं अब देखूंगा, क्योंकि पहला मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, और दूसरा ये मेरा टाइप की चीज नहीं है। हाँ मैं ट्रेलर देख के इम्प्रेस हूँ, बट इतना भी पता है कि मैं नहीं देखूंगा ये, और ये मेरे ओपिनियन है, मैं कहीं से भी टीवी या सीरीज को गलत नहीं बता रहा। बहुत एक्सीलेंट काम लग रहा है, मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत स्पेसिफिक टाइप की ऑडियंस के लिए ये होगा, बट अगेन स्ट्रॉन्गली मेरे ओपिनियन है। मैं क्वेश्चन तुम पे देता है, तुम क्या सोचते हो, क्या तुमने ये ट्रेलर देखा है? अगर नहीं देखा तो लिंक विल बी इन डिस्क्रिप्शन, और अगर देखा है तो क्या तुम्हें भी पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो क्या तुम ये सीरीज देखोगे या नहीं देखोगे? फील फ्री टू लेट मी नो। इन अदर न्यूज, आरटी ऑलमोस्ट 100K पूरे करने वाला है, 100K इंडियन रिहाना एरे एक्स में भी दम है भाई। और सीरियसली मैंने जब वो गाना बनाया था मैं सिर्फ 17,000-18,000 सोच रहा था कि उससे ऊपर लाने मुझे, आज वो गाना 100K पहुंचने वाला है बे। वन ऑफ द मोस्ट व्यूड सॉन्ग है मेरा ओवर ऑल टाइम, मेरा बोल रहा हूँ मैं, यहाँ का नहीं बोल रहा, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस मैन, आई लव यू गाइस मैन। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी उस गाने को पसंद किया, शेयर किया, लाइक किया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। डी एंड डुओस को कल बताया मैंने, उनको भी नहीं पता था, बहुत खुश है वो लोग, मैं खुश हूँ, अनु खुश है, सो थैंक यू सो मच उन दोनों की मैडम को इतना अप्रिशिएट करने के लिए, दिल से शुक्रिया था। अगला गाना बहुत जल्द आने वाला है, बाकी वो क्या होगा कैसे होगा तो आने वाला वक्त बताएगा, बस इतना ही कंटेंट है, इतना ही कंटेंट है और कुछ नहीं पेलना मैंने। 10 मिनट हो गए तो ठीक है, बड़ा मूड तो है नहीं वीडियो बनाने का आज। ट्रैवलिंग करनी है, पैकिंग करनी है, सामान लाना है, बहुत कुछ, तो मैं जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए, और मैं मिलता हूँ तुमसे कल। फिलहाल लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अच्छा एंडिंग में तो देनी होती है मुझे, क्या वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो इसी नोट पे यही नोट होगा, ये एपिसोड यहीं खत्म कर रहे हैं। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, और आज का नोटिफिकेशन शाउट जा रहा है सुरेंद्र राघव, अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारा नाम इन वीडियो में, शेयर दिस वीडियो, टैग मी इन दैट पोस्ट, क्या पता तुम्हारा भी नाम ले लूंगा मैं, देख रहे हो मैं नाम लेगा, मैं कितनी बड़ी डील है, किसी को घंटा फक नहीं पड़ता, ये तू लेगा साले कोई भी ले लेगा, चुतिया क्या अबे, बंदी भाव नहीं दी तो क्या करूं मैं, इतना एनर्जी में फिर भी वीडियो बना दी, बहुत बड़ी बात है, समझो, समझ में आया क्या? बोला मैं रैंडम चीज रिकॉर्ड कर रहा है 10 मिनट बनाने के लिए, जो भी मिले पे लो 10 मिनट नहीं है करना, मतलब करना है अभी, मैं बोल रहा हूँ शेयर नहीं कर रहे यार तुम लोग, 200K करने है तो करने है, 200K में सामने खड़ा है और मैं उसे बोल रहा हूँ करने दे मुझे करने दे, सही बोल रहा हूँ यार, उसे बंदी की प्रॉब्लम नहीं, डैड से भी परेशान हूँ मैं, ये मैं बता रहा हूँ ये चीज तुम्हारे साथ भी होती होगी, जहाँ पे तुम्हारे डैड आके तुम्हें बोलते होंगे मैं 10 रुपए लेके आया था इस शहर में, कुछ नहीं था मेरे पास, 10 रुपए से ये घर बनाया मैंने, तुम क्या कर रहे हो, पहले गुस्से में था मैंने कुछ करा, पापा भड़क गए, पापा इमरान पेल दी मेरे को, तुम क्या कर रहे हो, 10 रुपए से ये घर बनाया, मैंने निकाला 50 का नोट, मैं कहा 5 घर मेरे लिए बनवा दो, पता नहीं ऑफेंड देगा यार, बेल्टे अभी भी निशान है पीठ पे, सीरियसली मेरे को समझ नहीं मारा क्यों पे, ना पिताजी की कोई फैक्ट्री है, ना दादाजी ने कोई पुश्तैनी जमीन छोड़ी हमारे लिए, पढ़ाई में कभी मन लगा नहीं, खेल में कुछ अच्छे थे नहीं हम लोग, जैसे यूट्यूब की अर्निंग चल रही है ना, अपना फ्यूचर मुझे सब्जी बेचते हुए दिख रहा है, सच बोल रहा हूँ यार, जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा, साले कुत्तों की जिंदगी। मैं जिंदगी के उस पॉइंट पे हूँ ना जहाँ पे रात के 2 बजे अगर मैं पानी लेने जाऊँ फ्रिज में और मुझे आवाज सुनाई दे, मैं डरता नहीं, मैं भड़क जाता हूँ मैं, ए मादर मारने तो मार, गान मत फाड़, फटती तो है ही यार, क्या मजाक थोड़ी करूंगा मैं। कल शाम को मैं पार्क गया, वहाँ पे बहुत सारे कपल, पता नहीं बहन वैलेंटाइन खत्म हो गया अभी तक इनका चल रहा है, रूम ले लो यार 1,000 रुपए में ओयो आ रहा, पता नहीं क्या तुम्हारा है, बट नहीं पार्क में करना है, तो बस कुछ नहीं, जहाँ पे ज्यादा कपल देखे मुझे बैठे हुए कोने में, मैंने अपना फोन निकाला और जोर से चिल्ला दिया, अंकल आपकी बेटी यहीं पर है, 2 मिनट के अंदर पूरा पार्क खाली था, फिर बैठ के हिलाया मैंने वहां पे, घर की रौनक कब तक बढ़ो, पार्क की रौनक बढ़ाएंगे बहन की, आप यानी बदल गए लेट हर की जो सले, आशिकी में तेरी जिंदगी लुटा देंगे हम, और अगर तू नहीं मिली हाथों की लकीरें मिटा देंगे हम। सारे एक तरफ आशे, ये यानी भाई समझ कब पेला है।
दिल आ जाता है उस पे जब वो मासूमियत से कहती है। गौर फरमाइएगा, दिल आ जाता है उस पे जब वो मासूमियत से कहती है। तेल नहीं तो थूक ही लगा लो ना, बिल्कुल आवाज नहीं करूंगी। प्लीज डोंट जज मी। ये तुम लोग डर के साले, तुम्हारी वजह से पेलने पड़े, कहां कहां से ढूंढ के लाए पता तुम्हें? वापिस साले, जिंदगी बर्बाद हुई है मेरा। क्या जो मैंने किया। एक माँ अपनी बेटी को साड़ी पहनना सिखा रही होती है, तो माँ उसकी जो साड़ी है वो करती है, करते नहीं वो बोलो, वो करती है और बोलती है बेटा अब रोल करो। ठीक है माँ, उसी भी गाय। अबे अच्छा जोक है ये, अच्छा जोक है। मैंने मल्टी वाइट लग बात है, पर जोक अच्छा डीप है। जस्ट इनके तुम लोगों को मैं सिर्फ इसको ये जोक समझ में गया। ये जोक इतना डीप है ना, इतना डीप है, इसके लिए तुम्हें चिल मारना पड़ेगा ब्रो। चिल गंजन मवे देते सम गंजन मवरे। आज का क्या, जब तक बाजुओं में दम है किसी की गुलामी नहीं करेंगे। मैं बाथरूम से होके आता हूँ। बर्बाद हो गया, इनको आता ही नहीं है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे हालात पे होना मैं कि डर लग रहा है यार। अच्छे लोगों की तलाश में मैं खुद हरामी ना बन जाऊँ।